मैं मालेगांव शहर के तमाम ताजियेदारों से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में आके किसी के बहकावे में आके ऐसी कुछ हरकत ना करे, अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि झूठे बहकावे में ना आए, बिला वजह किसी से उलझे ना, मुहर्रम अपना अमन शांति के साथ गुजारे जिस तरह हर साल गुजारते थे लॉकडाउन से पहले, उसी तरह से। आज बहुत से लोग ताजियेदार लोग खौफ ज़्यादा है कि पिछले साल ताजिया जो है तो कॉरपोरेशन की गाड़ी में गई थी, उससे बहुत ढेर ताजियेदारों का ताजिये का नुकसान हुआ। कितनी ताजिया टूट गई है, कितनी ताजिया पिछले साल दफन हो गई है। ताजियेदारों का ये बोलना है कि हम जिस तरह हर साल जाते थे लॉकडाउन से पहले, उसी तरह जाने की कोशिश की जाए। पिछले साल लॉकडाउन का खतरा था, अब के साल ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह हम हर साल लेके जाते तो वैसे ही लेके जाएंगे ताजी अपने अपने तौर से। मुहर्रम अमन अवाम के साथ गुजारे, कानून के दायरे में रहकर अपना काम करे। पुलिस इंतजाम सरकार अफसरान की बात मानकर अमन अमान के साथ रहे। ऐसी गुजारिश मैं सुन्नी ताजिया कमेटी की तरफ से करता हूँ कि तमाम ताजियेदार अमन अमान पर ध्यान दे। पुलिस जो हमें कंप्रेट कर रही है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। हमें एसपी साहब ने कहा है कि ताजिये के मामले में अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तो हम तुम्हारे साथ आधी रात को खड़े हैं। हम इंशाल्लाह इस साल पुलिस का कंप्रेट करेंगे।